हेलो गाइस, वेलकम बैक हे नगरी पार्ट टू। आज की वीडियो में हमारे दो गोल होने वाले। पहला गोल है हमारा आयरन ढूंढना और दूसरा गोल है हमारा घर बनाना। चलो आगे चलते हैं आयरन की तरफ। आयरन ढूंढने के लिए हमारे घर की तरफ बढ़ेंगे। तो फिर मैं ऐसे ही ढूंढते ढूंढते मेरे को रात हो गई। फिर मैं चला था सोने, उसके बाद फिर मेरे को याद आया, अरे हमारी जो नीली पहाड़ी पे आयरन थे, वहाँ पे जाके आयरन ले लूँगा मैं कल। तो मैं आपको सीधा नीली पहाड़ी का सीन लगा था। और फिर मैं पहुँच गया नीली पहाड़ी पे मैंने देखा आयरन थे अभी भी लगे हुए, किसी ने लिए नहीं। लेगा ही कौन, क्योंकि हम अकेले ही थे इस वर्ल्ड में। और फिर हम नीली पहाड़ी के पास चढ़ गए ऊपर तक। और ऊपर जाने के बाद तो मेरे को याद है मेरे तो बिल्डिंग ब्लॉक से ख़त्म हो गए। और बिल्डिंग ब्लॉक ख़त्म हो गए तो इसका मतलब हमारे आइलैंड भी हम पहुँच नहीं पाएंगे। तो फिर मैंने हे बेल निकालनी, और हे बेल निकालने के बाद उसके ऊपर चले गए। और फिर हमने आयरन माइन करने लगे। और आयरन माइन करते करते हमने इन टोटल 20 आयरन माइन कर लिए। तो 20 आयरन बहुत ज़्यादा होते हैं, उससे कुछ भी बना सकते हैं। आधा तो हमारा आर्मर बन ही गया या फिर टूल्स बन ही गया। और फिर मैंने थोड़ी सी वुड चॉप की। वुड चॉप करने के बाद मैं चला गया हमारे विलेज के पास। विलेज के पास जाने के बाद मुझे याद आया अरे अब तो हमें घर भी बनाना है। तो घर बनाने के लिए पहले मैंने दो फर्नेस लिए। और फर्नेस लेने के बाद मैंने उन दो फर्नेस को उनमें आयरन स्पेंट होने के लिए लगा दिए। पहले समझता था हमारे यहीं पर लगाने, क्योंकि अभी तो हम यहीं रह रहे हैं। और यहाँ हमने कोल रखे, कोल डाले फिर दोनों फर्नेस में। और फर्नेस में 10-10 आयरन भी रख दिए। फिर हमने मेल्ट होने के लिए, उसके बाद फिर मैं जा ही रहा था, फिर मुझे याद आया अरे मेरे को शवल भी चाहिए होगी, क्योंकि वहाँ की मिट्टी क्लियर करनी है। मैंने जगह देख ली थी आते टाइम नीली पहाड़ी से। नीली पहाड़ी उस टाइम सो उस साइड पर मैं घूम के आ रहा था, तो मुझे दिख गया थोड़ी सी जगह। और फिर मैं चला गया नीली पहाड़ी बोल रहा हूँ, मैं चला गया जहाँ पे हमें घर बनाना है, वहाँ पे मिट्टी क्लियर करने। मैंने फिर थोड़ी मोड़ी मिट्टी की आपको वीडियो में दिखा दी। अब मैं मिलता आपको सारी मिट्टी क्लियर करने के बाद। सारी मिट्टी मैंने क्लियर कर ली। वो थोड़ी सी इधर उधर हो गई। मैंने थोड़े खंडे भी कर दिए बीच में, खंडे कर दिए थोड़े बीच में। ये गाय माता क्या हो गया, खंडे में से जा रहे हो आप आराम से? इतनी बड़ी जगह मैंने प्लान कर दी, यहाँ पे घूमो? ये मुझे ऐसा क्यों लगता है मेरे को और जगह प्लान करनी होगी, जिस हिसाब से मैं घर बनाने वाला। अब घर तो अगर आप लोग को बिग 15 मिनट्स की वीडियो चाहिए तो आप बोल सकते हैं यार, कमेंट में लिख दो हाँ चाहिए हमें 15 मिनट की वीडियो। तो उस वीडियो में मैं ज़्यादा चीज़ कवर कर पाऊँगा, इस वीडियो में मैं कम चीज़ें कवर करनी पड़ती है, क्योंकि मैं 8-10 मिनट की वीडियो बनाता हूँ। और फिर मैं अपना सारा कूड़ा डाल दिया और फिर मैं चला गया फिर से वुड लेने के बाद मैंने थोड़ी देर के बाद देखा कि मेरी रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है। और फिर मैंने देखा, फिर रिकॉर्डिंग ऑन किया, और आप लोग देख सकते हैं मेरे कुछ ऐसा वर्क स्ट्रक्चर होने वाला है, बीच में गेट होने वाला, और गेट को मन डेकोरेट करना। डेकोरेशन के लिए अंकित भैया को बुलाओ या नहीं, और नोटी भैया को बुलाओ या नहीं बुलाओ, डेकोरेशन में वो बहुत अच्छा। तो फिर मैंने यहाँ से वुड लगाया, और वुड लगाने के बाद फिर मैं कोई याद आया है तो मैंने तो बहुत कम वुड लगाया है। आई नो मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी सी और करने, थोड़ी देर ये पूरा करने के बाद ये देखो वैसे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है हमारे, इसका ऊपर वुड कम पड़ गया मैंने जैसा बोला था। फिर मैंने और थोड़ी सी वुड चॉप की, और फिर ये एंगर मैन परेशान करने लगा तो मैं वापस चला गया। मैंने इन टोटल 64 यूनिट जमा किए। मैं पहुंच जा रहा था फिर अपने के पास, पर वो आयरन वाला पीछे लग गया था, पर उससे मैंने कैसे तो भी पीछा छुड़ाया। और फिर मैंने वुड को, फिर मैंने वुड से और थोड़े वो प्लैंक्स बना लिए। और फिर वो प्लैंक्स बनाने के बाद मैंने पूरी दीवार खड़ी कर दी। ये देखो ये तो कुछ बाहर का सरफेस है, इसके ऊपर एक्सटीरियर होगा, इसके बाद फिर पता चलेगा कि कैसा लगेगा हमारा घर। और फिर वो लगता है मुझे अगले वीडियो में करना पड़ेगा। पहले तो मैं आगे की ज़मीन एक्सपांड कर लेता हूँ, क्योंकि मैं जैसे ही घर से निकलूँगा मैं तो गिर जाऊँगा, इसलिए मैंने आगे की ज़मीन एक्सपांड कर ली। और इतना कुछ घर हुआ है देख सकते हो। फिर आगे चलते हम,
यहाँ पे एक दो तीन हम चारों तरफ पिलर खड़े कर देते हैं। चारों तरफ मतलब जितनी जगह है, जितने कॉर्नर्स है, सारे कॉर्नर्स पे, जितने कॉर्नर्स हैं उतने में हमने पिलर्स खड़े कर दिए। पिलर्स ताकि ये थोड़ी लुक दे घर को, ताकि डब्बे डब्बे जैसा घर ना लगे। और जहाँ पे हमने ये काम है वो वहाँ पे भी कर दें। अगली बताऊँ मैं बार्न हाउस बनाऊँ या फिर और क्या करूँ, बार्न हाउस बनाऊँ या एनिमल फार्म बनाऊँ, बताओ यार क्या करना चाहिए हमें। बार्न हाउस में मैं अपने थोड़े मोड़े घोड़े और थोड़े मोड़े ये लाऊँगा, रिलेट एनिमल्स लाऊँगा, और एनिमल हाउस में बहुत सारे एनिमल लाऊँगा। और वह गाइस तो मैं भाई ये सर्वर बहुत लैगी लैगी है, लॉस के ऐसा कुछ है क्या जिससे हम लैग फ्री सर्वर बना सकते हैं, क्योंकि सर्वर में बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। फिर हमने चारों तरफ पिलर के लिए हमने पहले सोचा है पहले यहाँ कर लेते फिर वहाँ पे करेंगे। अब मैं और क्या क्या इसके अंदर इंटीरियर में ऐड कर सकता हूँ आप वो भी कमेंट में बता सकते हो। और अभी तक लाइक की लिया तो लाइक कर दो। आगे फिर हमने पूरे इसको बोर्ड से ये कर दिया, पिलर लगा दिए, थोड़े दिखने में भी अच्छे लग रहे हैं। चलो यहाँ पे भी लगा देते, एक दो तीन चार पाँच, फिर एक दो तीन चार पाँच। चलो गाइस हमारे काम तो हो गया, मेरे को लगता नहीं मैं इस बार एक घर बना पाऊँगा। तो पहले रात हो रही थी, कल फिर मैंने सोचा पहले खाना बना ली या पहले सो जाऊँ, देखते यार अब तो सही नहीं पा रहा हूँ, पहले खाना ही बना लेता हूँ यार। और फिर खाना बनाते बनाते याद आया चलो पहले सो जाते, क्योंकि ज़ॉम्बी स्पॉन हो गए एक बार तो फिर वो आ ही रहेंगे हमें, क्योंकि हम विलेज से दूर है। फिर मैं पहले सो गया, हे पहले सुबह उठ के बना लूँगा, और सुबह उठने के बाद में आयरन का टूल्स बनाऊंगा आर्मर, वो भी आप लोगों को पता चल वाला है, आप लोगों ने देखा भी था मैंने स्टिक किया है। लेकिन मैं पहले हेविल से रेड्स बनाऊंगा गाइस यहाँ पे। मैं लोग आप लोगों को बता रहा था मैं इस वीडियो का लाइक इन रखते हैं हम 20 लाइक्स। बहुत बंदे बोलेंगे इतने कम लाइक्स के इनकी, फिर वीडियो पे लाइक नहीं देख कर रहे हो आप लोग। तो गाइस मैं बना रहा हूँ इसमें एज आर्मर बना रहा हूँ यार, आप लोगों से क्या बताना। लेकिन चेस्ट प्लेट आप लोगों ने अभी तक ऑब्जर्व नहीं की, मैंने हिंट दे के रखा था यार आप लोगों को। आप लोगों ने जिन जिन ने ये क्या उन लोग कमेंट में जाके लिख दे यस भी ऑब्जर्व दैट। चलो गाइस मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ फर्स्ट पर्सन फर्स्ट फ्रंट पर्सन में कैसे आर्मर मैंने बना लिया। चलो गाइस लोग मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम और भी सारी चीज़ें करेंगे। बाय बाय।